2019 के आम चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया तो इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि पहले कार्यकाल के 5 वर्षों में उन्होंने खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में आए सुधार को मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। ये इलाका बहुत ही उठापटक वाला है। इस क्षेत्र से भारत के बड़े राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इसके क्षेत्रीय संगठन यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देश भारत के सबसे बड़े कारोबारी साथी हैं। इस इलाके में 75 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं जो हर साल करीब $55 अरब की रकम स्वदेश भेजते हैं। कुल मिलाकर खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों की तादाद फिनलैंड की आबादी से भी ज्यादा है और जो भारतीय लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनकी तादाद 26 लाख है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को। और यहाँ पर आखिरी बार 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे जहाँ उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ रियाद डिक्लेरेशन समझौते पर हस्ताक्षर कर दोनों देशों के बीच बहुआयामी क्षेत्र में रिश्तों को और प्रगाढ़ रूप दिया, तब वो समय था जब भारत सऊदी एक सामरिक साझेदार बन चुके थे। अब भारत सऊदी के बीच स्पेस तकनीक, आईटी, हाइड्रोकार्बन और तेल उद्योगों के बढ़ावे के क्षेत्र में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सामरिक रिश्ते रूप लेने लगे थे। पिछली सरकारों ने खाड़ी देशों के साथ रिश्ते तो बनाए लेकिन उसके बाद वो फिर से सुस्त हो गई। फिर इसके बाद मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही बात की गंभीरता को समझना शुरू किया और अपने पहले कार्यकाल के दौरान से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों में अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के इन दौरों की मदद से भारत खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों में नई जान फूंकने में कामयाब हुआ है। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने शुरू से ही भारत का समर्थन किया है। मुस्लिम देश होने के नाते पाकिस्तान के साथ भी इन देशों के रिश्ते अच्छे रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से घटी घटनाओं से ये पता चलता है कि भारत की आक्रामक कूटनीति के चलते इन देशों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है और इन देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। मोदी सरकार के आने से पहले भारत सरकार ने इन देशों को तजव्वो नहीं दी थी और भारतीय राष्ट्र अध्यक्षों के पास इन देशों का दौरा करने का समय भी नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों के साथ अपनी कूटनीति को बड़ी सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया और नतीजा ये हुआ कि आज भारत को ये देश सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार ही नहीं बल्कि सुरक्षा साझेदार भी मानते हैं। यहां हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे से वापस लौट आए हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII को संबोधित किया। पीएम मोदी की इस यात्रा के बीच भारत सऊदी अरब के बीच में बड़े समझौते हुए हैं। इस दौरान एक समझौता ऐसा भी हुआ है जो ऐतिहासिक है। भारत सऊदी अरब एक काउंसिल बनाएंगे जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर काम करेगा। सऊदी अरब चौथा देश है जिसके साथ भारत ने ये समझौता किया है। रणनीतिक साझेदारी के लिए बनी इस काउंसिल की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो दोनों देशों के बीच विकास रणनीतिक समझौते को आगे बढ़ाएगा। सऊदी अरब से पहले भारत ने इस प्रकार का समझौता 3 और देशों के साथ किया है जिसमें जापान, जर्मनी और रूस शामिल है। वहीं सऊदी अरब ने इससे पहले इस प्रकार का समझौता यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के साथ कर चुका है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते काफी गहरे हैं। ऐसे में भारत का यह समझौता सऊदी अरब के साथ होना काफी अहम माना जा रहा है। इसके तहत दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख एक तय अंतराल के बाद मुलाकात करेंगे और कई मसलों पर बातचीत करेंगे। इस मामले में जो हमारी रणनीतिक साझेदारी रूस के साथ है वो काफी मजबूत है जिसके चलते हर साल रूस भारत में एक समिट होती है जिससे भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं या तो फिर रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस बड़े समझौते के अलावा दोनों देशों के बीच एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर कई और समझौते भी हुए हैं। ISPRL और सऊदी अरामको के बीच 2.5 मिलियन टन पादुर स्टोरेज रखने का भी फैसला हुआ है। यहां भारत काफी बड़ी तादाद में ऑयल स्टोरेज करेगा। मान लीजिए कि कभी वॉर हो जाता है तो इस स्थिति में यह ऑयल रिजर्व भारत के काम आएगा। और बात की जाए अभी की तो भारत के पास इतना ऑयल रिजर्व है कि 10 दिन तक बिना तेल का आयात किए काम चलाया जा सकता है। और वहीं पादुर फैसिलिटी में जो ऑयल रिजर्व होगा उससे भारत 12 दिन और बढ़ा लेगा अपने लिए, जिससे यह संख्या 10 से बढ़कर 22 हो जाएगी जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर निवेश पर रहा है। उन्होंने यहाँ कहा है कि सऊदी अरब $100 बिलियन का निवेश करना चाहता है। यहाँ हम आपको बता दें कि व्यापार में भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार देश है सऊदी अरब। और यहाँ सबसे रोचक बात तो यह है कि सऊदी अरब भारत का आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी बनना चाहता है, जो कि भारत के दुश्मन देश
पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। स्पष्ट है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के साथ अपनी कूटनीति को नया आयाम दिया है, अब उसका फल भारत को मिलता दिखाई दे रहा है। इसका भारत को आर्थिक फायदा भी हो रहा है और रणनीतिक फायदा भी। अगर पिछली सरकारें सही से इन देशों के साथ अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाती तो भारत उससे पहले ही इन देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बना सकता था और देश को बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता था। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।